बात किसानों को लेकर करेंगे क्योंकि हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को अब मौसम की मार झेलनी पड़ी है। मौसम की मार के चलते किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र और करनाल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसानों के सिर से अभी सरकारी खरीद लेट शुरू होने के बादल छटे ही हैं कि आसमां में अचानक छाए बादलों और तेज बरसात से किसानों के चेहरों की रौनक गुम हो गई। जरा ये तस्वीरें देखिए, आफत की बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है। रुक रुक कर हो रही बरसात किसानों के लिए आफत की बरसात बन चुकी है। किसानों को अब मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ तो राइस मिलर और सरकार के चक्रव्यूह में फंसे किसानों की धान की खरीद नहीं हो पा रही, जिस वजह से किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। ऐसे में बारिश होने की वजह से किसानों का सोना यानी धान बरसाती पानी लगने से भीग गया है। इससे किसानों में काफी रोष है। मंडी में समस्या तो जी, चलो गवर्नमेंट ने तो जो किया था किया था, ये तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने बोल दिया था की इतवार से बोली स्टार्ट कर दो, खरीद शुरू कर दो। इसके बावजूद ये सेलर आड़े लगा लो, कोई लगा लो, इनकी कोई मंशा नहीं है। अभी पब्लिक परेशान करने से स्वयं हर साल का इनका काम है, जब भी बोली स्टार्ट करने का टाइम आए अपनी कंडीशनर अड़ेगा बैठ जा। अभी हालात सबके सामने है, इन्होंने ग्रीन मार करनी है किसी जरिए कर दो जी। जितनी गवर्नमेंट दोषी है उससे ज्यादा ये हो रहे हैं। क्या राइस मिलर की गलती है? राइस मिलर खरीद नहीं करते बताओ, शाहबाद शुरू होगी, लाडवा शुरू होगी, यहाँ की मंडी में क्या आफत आएगी आई? खरीद तो सका, ये कंडीशनर तो अपनी बाद में ही मनवा सका, उसके बावजूद भी इन्हों तो ये अभी चलो गरीब जनता मरण दो, इसमें जिस तरह मर रही है इन्हों इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बारिश करके नुकसान क्या है, 8-10 दिन पड़े को होगी, देखो कितना पानी नीचे को चल रहा है। बाकी सब मंडियों में जीरी बिक रही है, कि एक पीपली में क्यों नहीं, जो आड़ती है बाकी सेलर वाले हैं सब इनकी शरारतें हैं। जिमीदारों को तो खत्म कर दिए इन्होंने, लाडवा बिक रही है, सावा सावा करनाल बिक रही है, एक यहाँ नहीं है। हाल क्या है, क्या क्या चीज़ है? सेलर वालों की मीटिंग बैठी, उनकी तो मीटिंग को जो गाज गिरेगी वो भी जिम्मेदार पे गिरेगी, जिनकी मीटिंग खत्म होगी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारी जीरी भी के, और हमने क्या जाना है, सही रेट पे जाए जीरी जिम्मेदार की। कितना नुकसान हुआ बारिश में, रात बारिश हुई? नुकसान में तो नुकसान ही नुकसान है, 50% नुकसान है। आप ही देख लो जो जीरियों के नीचे को पानी चल गया वो कहाँ बचेगी ये। करनाल में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, खुले आसमां के नीचे पड़ी लगभग सभी किसानों की फसल पानी में भीग गई। मंडी में भी जगह जगह पानी जमा होने की वजह से किसानों और आढ़तियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फसल हमारी खराब होगी दोबारा, और वे तो आएंगे फिर कह देंगे इसमें मैंने 22% की करी थी, इसमें तो 30-32% तक पहुँचा देंगे। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि नहीं है? और जो डेयरी पास हुई थी मैंने उनके लिए वारदान दिया सरकार को, उनके लिए बारदाना दिया ना, अभी तक कोई तोल होया। भाई परेशानी आपको भी दिख रही होगी, हमारे को भी दिख रही है। बारिश होने से धान की नमी और बढ़ गई है, जिस वजह से किसानों की परेशानी और ज्यादा हो गई है, क्योंकि धान की नमी बढ़ने से खरीद के समय भी किसानों को परेशानी आ सकती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा और करनाल से हिमांशु नारंग, खबरें अभी तक।